गुड आफ्टरनून गुड एवरीवन, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कीप योर यस मैम। वीडियो ऑन एवरीवन। एक और वीडियो ऑन कर लो, फिर आप कर लेना, लेकिन अभी कर लो, ठीक है ना। टुडे आई एम गोइंग टू टीच मिनरल डेफिशिएंसी। मिनरल टॉपिक इज मिनरल डेफिशिएंसी, सो लर्न मोर अबाउट द मिनरल डेफिशिएंसी। थोड़ा बहुत हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, नेम ऑफ द मिनरल्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मिनरल्स, सोर्सेस, ये भी पढ़ा था हमने, लेकिन थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में। तो फर्स्ट क्या है, आप बुक, एवरीबडी एवरीबडी टेक आउट द बुक एंड सी द पेज नंबर 26, ठीक है ना। 26 निकालिए और उसमें देखिए कि कैल्शियम डेफिशियंसी है। फर्स्ट क्या है, कैल्शियम इज अ मिनरल एंड कैल्शियम डेफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किसका क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शन क्या क्या हो सकता है, कैन एनीबॉडी रीड द दिस टॉपिक, किस टॉपिक को पढ़ेगा मिनरल डेफिशिएंसी को। मैम यस मैम सेल रंजना, मैम चलो स्टार्ट करो। कौन बोल रहा हो, इज स्पीकिंग नाउ, हु इज टेलिंग, मैं बोल रहा हूँ। सिद्धांत नाम क्या है। मैम, सिद्धांत सिद्धांत, चलो पढ़ो इसको, कैल्शियम डेफिशिएंसी को पढ़ो। एवरीबॉडी म्यूट योर सेल, सारे म्यूट हो जाएंगे और वो जो पढ़ मैम रहे हैं। मिनरल, यस, रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज कैल्शियम मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेट। यहाँ से पढ़ना है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज पेज नंबर मैम, 61। कैल्शियम यस वाला मुझे पढ़ना मैम। एक मिनट छोड़ दो, मैं समझा देती हूँ कि ये जो कैल्शियम है वो लैक्टेटिंग मदर के लिए और प्रेग्नेंट मदर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम एक्चुअली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ बोन एंड टीथ, ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बोन बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बोन क्या हो जाते हैं, एक्चुअली क्या करता था, डेवलप क्या करता था, बोन को बिल्ड करता था और टीथ को डेवलप मतलब ग्रोथ में हेल्प करता था। एक्चुअली इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टीथ, और ये अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन वीक हो जाए, फ्रेजाइल होगा। लार्ज अमाउंट अबाउट 90% ऑफ कैल्शियम इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इन आवर बॉडी। इसके जो है अगर देखा जाए कि डेवलपमेंट बोन और टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम का क्या रोल है, 94% कैल्शियम का रोल है। ठीक है, अगर आपके बोन डेवलप हो रहे हैं, टीथ डेवलप हो रहे हैं, तो वो क्या है कि इसके डेवलपमेंट में 94% कैल्शियम का रोल है। सो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी डेवलप द टू बिल्ड द बोन एंड टीथ। ठीक है ना, और अगर ये नहीं रहेंगे, और ये ब्लड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वांटिटीज। बोन और टीथ में तो देखा हमने कि बहुत बड़ा रोल प्ले रोल इसका है, 94% है, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट की बात करें तो उसको ब्लड की भी, ब्लड के लिए भी जरूरत है और मसल्स और नर्व्स के लिए भी। ठीक है ना, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए डाइट में तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स फॉल्टी एंड क्रैम्पी पेन, हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा और हम लोग वी फील द पेन। ठीक है, और इस तरह से टूथ डिके भी हो जाएगा, बोन्स फ्रेजाइल तो होंगे, और लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स क्या होंगे, पर्टिकुलरली क्या होंगे, ये डिजनरेट हो जाएंगे, क्या होंगे, डिजनरेट हो जाएंगे मसल्स, क्योंकि मसल्स में कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि इस कैल्शियम का भी अमाउंट, ठीक है बट इट स्मॉल इन अमाउंट, लेकिन इसका है, जरूरत है। तो सेकेंड वन इज फास्फोरस डेफिशियंसी। फास्फोरस का क्या रोल है, टी ऑल्सो प्ले अ बिग रोल टू डेवलप द टीथ एंड बोन, सेम एज कैल्शियम, सेम एज कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस के अलोंग विद द नीडेड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल बोन्स एंड टीथ। नर्व सेल के लिए भी जरूरत है इसके, स्किन इट इज नीडेड फॉर द नर्व सेल आल्सो लाइक द कैल्शियम, और बोन और टीथ के लिए तो है ही। टी आल्सो इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है,
अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट की डाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट का डाइजेशन पढ़ते हैं ना, हम लोग कौन भी पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हो रहा था। लेकिन जब हम लोग 8 और 9 में जाएंगे तो हम लोग न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप्स न्यूट्रिएंट का डाइजेशन पढ़ेंगे, अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट का अलग से तरीके से होता है, फैट का अलग होता है, और कौन कौन सा ऑर्गेन इन्वॉल्व होता है टू डाइजेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। तो उसमें जो फॉस्फोरस है वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लॉस ऑफ ए रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अबाउट ड्यू टू द आयरन एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी, ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगा, कम होगा, और क्या होगा, जनरल वीकनेस हो जाएगी। क्या होगी? जनरल वीकनेस हो जाएगी। तो ये आपका फास्फोरस था। नाउ कम टू द आयरन डेफिशिएंसी। अब आयरन देखो, आयरन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आयरन, एक्चुअली इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि जो ब्लड है जो वो हेमोग्लोबिन से बना, और हेमोग्लोबिन को फॉर्मेशन कौन कर रहा, फॉर्म कौन कर रहा है, ये हेमोग्लो आयरन, ठीक है। तो आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे ब्लड में कमी हो जाएगी, फिर जो पर्सन होंगे सफर फ्रॉम एनीमिया, ये एनीमिया हो जाएगा उनको। दे लुक लाइक पेलियर, दे लुक लाइक पेलियर, और उसके जो नेल है व्हाइटिस हो जाएंगे, और इस तरह से एनीमिया से सफर करेंगे। तो आयरन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनीमिक पर्सन जो होते हैं उनके हाथ पैर फूले रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है ब्लड की कमी से, तो सॉलन लेग हो जाता है, हैंड हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है हाथ पैरों, ठीक है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर आवर बॉडी। आयोडीन इज अ प्लेयर बिग रोल टू सिक्रीट अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, कॉल्ड थायरोक्सिन, ठीक है ना। तो ये जो थायरोक्सिन है ये एक हार्मोन है। हार्मोन आप जानेंगे कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन एक्चुअली क्या होता है कि डक्टलेस ग्लैंड से, डक्टलेस होता है, डक्टलेस ग्लैंड से निकलता है, और डायरेक्ट जो होता है ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। आप में जो ग्रोथ हो रहा है, आप में जो अचानक से टीन एज में ग्रोथ चेंजेस आते हैं, ग्रोथ में बहुत सारे बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं और मैच्योरिटी आती है, जो जितनी भी आप में चेंजेस आते हैं वो एक्चुअली किससे होता है, हार्मोन से होता है। हार्मोन जो है वो एक्चुअली आपको ग्रोथ में भी हेल्प करता है, मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, मैच्योरिटी लाता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन में भी, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, कौन करता है, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये आयोडीन जो थायरोक्सिन कहाँ से निकला, तो ग्लैंड से निकला, दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन निकला, और थायरोक्सिन को कौन हेल्प कर रहा है फॉर्मेशन में, रिलीज करने में, आयोडीन। अब आप सोचिए कि आयोडीन नहीं रहेगा थायरोक्सिन हार्मोन क्या रिलीज होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली उसका जो साइट होता है नेक के पास होता है, कहाँ होता है, नेक के पास होता है, तो वो एक्चुअली रिलीज नहीं होने से नेक जो पार्ट है वो फूल जाता है, सॉलिड नेक को ही हम क्या बोलते हैं फिर, ग्वाइटर। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, यह हो गया आपका। और इसके सोर्सेस के बारे में बात करें कि अगर आपको गोइटर से बचना है होने से, तो फिर आप सोर्सेस आयोडाइज टेबल साल्ट यूज कीजिए। आप जो सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वो आयोडाइज होना चाहिए, आयोडीन से भरा हुआ होना चाहिए। और या फिर सी फूड खाइए, फिश खाइए, क्रैब खाइए, ये सब चीज खाइए, सी से निकलता हो। चलिए, सी फूड में नमक बहुत रहता है, आयोडीन बहुत रहता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कोस्टल रीजन जो बीच के पास रहते हैं उनको ये बीमारी जल्दी नहीं होती वाइटर, क्योंकि वो यूजली क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं। तो सी फूड जब खाते हैं तो उनको आयोडीन मिल जाता है प्रॉपर अमाउंट में, तो उनको ये गोइटर नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन जो माउंटेनस रीजन में होते हैं, जो हिलीज एरिया जो पहाड़ों पर होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके सॉयल और वाटर में ही आयोडीन नहीं होता, तो नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ग्वाइटर फिर वैलेंट हो जाता है वहां पे, और मैक्सिमम लोग ग्वाइटर रोग से, डिजीज से सफर कर, ठीक है। तो ये आपका था मिनरल डेफिशिएंसी। नाउ कम टू द बैलेंस डाइट।
व्हाट शुड बी ईट, ठीक है, व्हाट शुड बी ईट, क्या खाना चाहिए। तो हु विल डिफाइन द बैलेंस डाइट, हु विल डिफाइन द बैलेंस डाइट, बताओ बेटा। राष्ट्रीय बताओ मुझे बैलेंस डाइट क्या है, राष्ट्रीय। अच्छा रंजना चेंज कर दी, मैं तो रंजना ही मैम, नंबर। मैं हाँ बोलूँ बेटा बोलो, मैम बोलने दो ना, आप राष्ट्रीय बोल मैम रही है तो सिद्धांत, उस वक्त भी जब मैम मैं प्लीज बोलूंगी मैम मैं बोलूंगी, आप भी बोलो ना, कौन मना कर रहा है। जब एक बोल रहा तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको भी मौका दूंगी, सब सारे बच्चों को मैं मौका दूंगी। डायट राष्ट्री के बाद सिद्धांत ही बोलेगा। विच कंटेन्स यस बेटा, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस, वेरी गुड। तो बैलेंस डाइट, सिद्धांत चलो म्यूट हो जाओ, राष्ट्री, सिद्धांत चलो बोलो। यस मैम। हाँ बोलो ना, तो अभी तो बोला कि मैं बोलूंगी, बोलूंगा अच्छा बोलो। मैम बोल, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स विथ रफेज एंड वाटर इन करेक्ट अमाउंट। ओके वेरी गुड, चलो अच्छा था। अच्छा मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहती हूँ। ओके बेटा, तो फिर हमने क्या पूछा, बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, दैट इज करेक्ट अमाउंट, ठीक है, इंक्लूडिंग वाटर एंड रफेज। आप लोग क्या करते हैं, वाटर और रफेज को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसके बिना क्या है, आपका बैलेंस डाइट इनकम्प्लीट है, आपका बैलेंस डाइट हुआ ही नहीं, क्योंकि वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर वो वाटर आप नहीं लेंगे, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, तो अगर आप इसको नहीं लेंगे तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो मेन तो रोल इसी का है। नेक्स्ट है रफेज, रफेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन डाइजेशन ऑफ द फूड, टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये जो रफेज है क्या, डाइट्री सेलुलोजिक डाइट्री फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। और ये जो रफेज है वो क्या है, सैलेड में आपका अगर सोर्सेस आप देखा जाए तो सैलेड आप लो, होल फ्रूट्स लो, होल ग्रेन्स लो, तो ये क्या है आपका सैलेड रफेज है, और ये आपके फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करता है। रफेज खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से डाइजेशन आप हो जाएगा, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत आसानी से बाहर निकल, नहीं तो फिर यू कैन सफर फ्रॉम अ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। तो रफेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, सो अगर हम बैलेंस डाइट को डिफाइन करेंगे तो इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इन एप्रोप्रिएट अमाउंट इंक्लूडिंग वाटर एंड रफेज, ठीक है। यहाँ पे था व्हाट शुड बी ईट, क्या खाना चाहिए। हम लोग को बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, एनर्जी फूड लेना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड लेना चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड आइटम लेना चाहिए, ये सब सारी चीज लेनी चाहिए जिससे हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन अच्छे से हो सके, ठीक है ना। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, अगर हम ये नहीं लेते तो हमारे सारे सिस्टम जो रेस्पिरेशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सारे रुक जाते, अच्छे से नहीं हो पाते, ठीक है। तो बैलेंस डाइट जो होता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है। अ बैलेंस सिंपल मील इज अ मोर नरिशिंग देन अ इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक। बैलेंस फूड में जंक फूड इंक्लूड नहीं है, जंक फूड जो होता है ग्रीसी होता है वो जो बहुत ही हार्मफुल होता है, डीप फ्राइड फूड की बात करें तो भी इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होते, न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑयली स्पाइसी फूड मे हैव अ गुड टेस्ट बट दे मे नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव, ठीक है, स्पाइसी और ऑयली होता है, अच्छा लगता है खाने में, पर ये न्यूट्रिटिव इसमें नहीं होता, ये न्यूट्रिटिव नहीं होता है, न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होता है। स्टेल एंड रॉटन फूड, रॉटन सड़ा हुआ, स्टेल मीन्स बासी, रात का खाना आप सुबह खाते हो, कैन बी हार्मफुल फूड टू हेल्थ, ठीक है ना। ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड आइटम, समोसा कचौड़ी और ब्रेड पकौड़ा मे नॉट प्रोवाइड यू टू इसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये आपके बैलेंस डाइट क्या थे, बैलेंस डाइट थे, और बैलेंस डाइट के बाद क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। ठीक है, यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ वीडियो।